कपिल देव, हरियाणा का सुपरमैन। 1975 में इंडिया के साथ वही हुआ जो ऑलिवर ट्विस्ट के साथ हुआ था। मुंबई की भरी दोपहर की झुलसाती गर्मी में एक लंबा दुबला हरियाणा का लड़का क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के नेशनल अंडर 19 कोचिंग कैंप में भाग ले रहा था। कैंप कर्नल हेमू अधिकारी की देखरेख में एकदम फौजी स्टाइल में चल रहा था। हेमू अधिकारी भूतपूर्व भारतीय क्रिकेटर थे और उन चंद लोगों में से एक थे जिन्होंने फौज से निकलकर देश के लिए क्रिकेट भी खेला। खिलाड़ियों को कैंप में प्रैक्टिस के दौरान पानी पीने की भी मनाही थी। वो युवा लड़का गर्मी में 4 घंटे लगातार गेंदबाजी करके निढाल हो चुका था। जब दोपहर का खाना दिया गया, थाली में 2 रोटियां और थोड़ी सी दाल रख दी गई। इस 16 साल के लड़के ने CCI के सेक्रेटरी KK तारापोरे से गुहार लगाते हुए कहा, सर ये 2 रोटियां मेरे लिए काफी नहीं है, मैं एक फास्ट बॉलर हूँ, मुझे और खाने को चाहिए। तारापोरे ने हंसते हुए उसे जवाब दिया, सुनो लड़के, इस देश में एक भी फास्ट बॉलर नहीं है, इसलिए मुझे ये फास्ट बॉलर वाली बकवास मत सुनाओ। कई बार पहाड़ों पर चढ़ने वालों के लिए बेस कैंप में मिली एक घुड़की उन्हें पहाड़ की चोटी तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर देती है। खालिस पारसी तारापोरे ने 1948 में भारत के लिए एक टेस्ट मैच खेला था और उन्होंने ये विश्वास पाल रखा था कि इस देश में बॉलर्स के नाम पर सिर्फ स्पिनर ही होते हैं। कपिल देव निखंज नाम के उस लड़के ने तारापोरे को गलत साबित करने की ठान रखी थी। न केवल उसे भरपेट खाना मिलने लगा बल्कि उसने वो किया जो शायद असंभव समझा जा रहा था। उसने भारत के लिए तेज गेंदबाजी की। इस किस्से के 4 साल के भीतर ही कपिल देव भारत की तरफ से 100 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के बॉलर बने और एक फंक्शन में तारापोरे से मिले। कपिल ने बताया, मैं बस उनके पास गया और उनसे शुक्रिया कहा। उन्होंने मुझे फास्ट करने का लगभग चैलेंज दिया था और उसी ने मुझे एक मकसद दिया। जब तक कपिल देव नहीं आए थे, भारतीय क्रिकेट में पेस बॉलिंग का उल्लेख कभी कभार ही होता था और होता भी था तो इतिहास में 1932 में अपने पहले टेस्ट मैच में इंडिया खुशकिस्मत टीम थी कि उसके पास अमर सिंह और मोहम्मद निसार जैसे पेस बॉलर थे। दोनों ही 6 फुट से ज्यादा लंबे थे। इंग्लैंड के स्टार बैट्समैन वॉल्टर हैमंड ने अमर सिंह के बारे में कहा था, अमर सिंह मेरे देखे हुए बॉलर्स में सबसे खतरनाक था। उसकी गेंदें पिच से ऐसे आती थी जैसे साक्षात मौत आ रही हो। कहते हैं कि निसार इससे भी ज्यादा तेज थे। उनके चौड़े कंधे और शरीर में भरा मांस उन्हें ऐसी ताकत देता था जो तेज गेंदबाजी के लिए एकदम मुफीद होती है। लेकिन 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, ज्यादातर फास्ट बॉलर्स जिसमें निसार भी शामिल थे, पाकिस्तान चले गए। विभाजन ने इस उपमहाद्वीप को बांट दिया था और साथ ही क्रिकेट के टैलेंट को शारीरिक बनावट के आधार पर भी बांट दिया। हट्टे कट्टे पठानों में फास्ट बॉलर्स बन सकते थे जबकि छोटे कद के इंडियन प्लेयर्स स्पिनर बन पाए। जब गुलाम अहमद के साथ वीनू मनकर ने 1952 में अपनी स्पिन बॉलिंग से इंडिया को पहली बार टेस्ट मैच में जीत दिलाई थी, एक बुरी घटना घट चुकी थी। भारत की ऐसी छवि बना ली गई जिसके अनुसार इस देश में सिर्फ स्पिनर्स ही पैदा होते हैं। इस मामले में रमाकांत देसाई एकमात्र अपवाद नजर आए जो 1960 में इंडिया के प्रीमियर फास्ट बॉलर थे, लेकिन वो भी लंबाई में कुछ छोटे थे और एक्सप्रेस फास्ट बॉलर भी नहीं थे। 1967 में इंग्लैंड में 4th टेस्ट के दौरान इंडिया की बॉलिंग में कुछ ऐसा देखा गया जो काफी हास्यास्पद और अजीब था। बुधि कुंदरन को उस टूर पर विकेटकीपर के तौर पर चुना गया था। बुधि ने 4 ओवर बॉलिंग की। वो कुछ कदम चलकर आते और जितनी आराम से हो सकता हाथ घुमाकर गेंद फेंक देते। 4 ओवर में बुधि ने 13 रन दिए। उन्हें सिर्फ इसलिए गेंदबाजी दी गई थी कि गेंद की चमक जितनी जल्दी हो सके खत्म हो और फिर इंडियन स्पिनर्स बॉलिंग करने लग जाएं। उस मैच में इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ खेल रहा था। एक मजेदार बात यह भी है कि मैच के ठीक पहले कप्तान पटौदी ने जब कुंदरन से पूछा कि वो क्या गेंद फेंकते हैं तो उन्हें जवाब मिला, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। इसी स्पिन के लिए दोस्ताना रवैया रखने वाली टीम में आकर कपिल देव को अपनी छाप छोड़ने को कहा जा रहा था। कपिल कहते हैं, मुझे लगता है कि उस वक्त जो भी क्रिकेट को कंट्रोल कर रहे थे उन्हें लगता था कि अगर कोई हरियाणा से है तो वो ट्रैक्टर चलाता होगा, न कि क्रिकेट की गेंद पकड़ के फास्ट बॉलिंग करता होगा। इसीलिए कपिल की हरियाणा से निकलकर आने की और फिर इंडिया की फास्ट बॉलिंग में सबसे बड़ा नाम बन जाने की कहानी और भी खास हो जाती है। ये वो खेल था जो 1970 की शुरुआत तक मुंबई के बल्लेबाजों और मैच जिताओ स्पिनर्स के खेल से परिभाषित हो रहा था। ये एक ऐसा खेल था जिसमें उच्च वर्गीय ब्राह्मण बहुसंख्यक थे, जिसे देश के बड़े शहरों में ही खेला जाता था। यानी देश के क्रिकेट में शुरुआती 50 सालों में मात्र 7 खिलाड़ी गांवों से आए। इनमें से 3 ने 1930 के दशक में खेला और सभी को क्रिकेट सीखने के लिए किसी न किसी मेट्रो शहर में जाना पड़ा। क्रिकेट के खेल को पूरी तरह से लोगों के बीच लाने के लिए इंडियन क्रिकेट को एक छोटे शहर से आने वाले हीरो की तलाश थी, वो जो आकर नए पैमाने गढ़ने वाला था। 1960 और 70 को देखें तो देश में राजनीति के समानांतर हरित क्रांति को भी रखा जा सकता है। जब फसलों की पैदावार शानदार तेजी से बढ़ी और किसानों को इसने काफी मजबूत बना दिया। जब तक ये हरित क्रांति पूरी तरह से अपने चरम पर नहीं पहुंची थी, भारतीय राजनीति की कमान उच्च वर्ग के महानगरों के अभिजातों के हाथ थी।
ये 1967 के चुनावों के बाद ही हुआ था, जब मध्यम वर्गीय किसानों की राजनीति ने पैर फैलाने शुरू किए। इसने भारतीय विधानसभाओं और संसद की पूरी तस्वीर बदल के रख दी। अगर इस हरित क्रांति ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया था, तो एक शख्स ने अपने कामों से भारतीय क्रिकेट में सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत कर दी थी, जिसकी शुरुआत उसने अपने खाने में 2 से ज्यादा चपातियां पाने से की थी। शिवालिक की तलहटी में बसा चंडीगढ़ आज भारत की रहने लायक सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। ये बड़े ही सलीके से सेक्टरों में बटा हुआ है, चौड़ी सड़कें, गार्डन और झील हैं। इस शहर को प्रतिष्ठित स्विस फ्रेंच वास्तुविद ले कर्बुजिए ने डिजाइन किया था। ये शहर नेहरू की परियोजना थी, जिसके तहत विभाजन के बाद के पंजाब को उसकी राजधानी मिलने वाली थी। 1966 में हरियाणा के अलग हो जाने के बाद से चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी का काम करने लगा। इसके साथ ही इस शहर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। यहाँ के IAS अफसरों के बीच एक मजाक है जो काफी आम है। हमारे यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने नौकरशाह मिलेंगे, उतने देश के किसी भी और हिस्से में नहीं मिलेंगे। पिछले कुछ सालों में इस शहर ने बस्तियां बना ली हैं, जहाँ सिविल सर्विस और आर्मी से रिटायर हो चुके अफसर रहते हैं। वो यहाँ के अच्छे मौसम और बेहतर गोल्फ कोर्सेस के आकर्षण में बंधे चले आते हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके अभिनव बिंद्रा चंडीगढ़ से हैं, लेकिन फिर भी इस मिट्टी का सबसे दुलारा सपूत कपिल देव ही हैं। 1959 में पैदा हुए कपिल ने जिस चंडीगढ़ में बड़े होना शुरू किया, वो एक छोटा सा शहर था जिसमें बड़े शहरों वाली बात कोई भी अभी नहीं थी। हालांकि जब इसे दो राज्यों की राजधानी बनाया गया, तो ये बेहद तेजी से निर्माण कार्य शुरू हुआ। कपिल देव के माँ बाप पंजाबी खत्री परिवार से थे, जिनका अपना बिजनेस हुआ करता था। वो विभाजन के समय पाकिस्तान के पालीवाल से चले आए थे और चंडीगढ़ में रहने लगे थे। कपिल के पिता रामलाल निखंज टिम्बर कॉन्ट्रैक्टर थे। उनकी माँ राजकुमारी गृहिणी थी, जो घर में एक बड़े परिवार को पाल रही थी। मेरे घर वालों को क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। उन्होंने मुझे टीवी पर खेलते देखने से पहले एक भी क्रिकेट मैच नहीं देखा था, कपिल देव ने बताया। कपिल अपने 7 भाई बहनों में 6ठे नंबर पर थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था और जिसमें कपिल को बहुत लाड़ मिलता था। उनके बड़े भाई भूषण ने उन्हें काफी सहारा दिया और अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। कपिल कहते हैं, मुझे याद है कि एक बार मेरे कोच ने मेरे बड़े भाई से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि मुझमें क्रिकेटर बनने का टैलेंट तो है, लेकिन मुझे और मजबूत बनाना होगा। पास ही खड़े मेरे पापा इस बात को सुन रहे थे और वो शाम को 2 भैंस खरीद कर ले आए, जिससे घर में कभी भी दूध की कमी ना हो। उन भैंसों को घर के पीछे बांध दिया गया। मेरी माँ मुझे एक बड़े से मिलिट्री वाले मग में दूध देती। मुझे दिन भर में लीटरों दूध पीने को मिलता था। भारत के छोटे शहरों में तमाम खाली जगह मिलती हैं, लेकिन मनोरंजन के विकल्प सीमित होते हैं और मोहल्ला एक विस्तृत परिवार बन जाता है। 1970 के शुरुआती दौर में चंडीगढ़ भी ऐसा ही था। कपिल देव ने DAV स्कूल में दाखिला ले लिया था। इस स्कूल की अच्छी बात यह थी कि यहाँ खेलने के लिए बहुत बड़ा सा मैदान हुआ करता था। मैं बचपन में हर खेल खेला करता था, क्योंकि और कुछ करने को ही नहीं था। मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छा नहीं था। एक बार तो मेरी बेटी परेशान होकर घर आई, क्योंकि उसके मात्र 95% मार्क्स आए थे। मैंने उसे बताया कि मेरे तो उसके आधे नंबर भी नहीं आते थे और मैंने कभी इसका अफसोस नहीं मनाया, कपिल ने अपने अंदाज में कहा। युवावस्था में कपिल की डेयर डेविल वाली छवि दिखती थी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक मल्होत्रा, जो कपिल के साथ चंडीगढ़ में पढ़ते थे, बताते हैं कि ऐसा कोई भी खेल नहीं था जिसमें कपिल बेहतरीन न थे। कुकू कपिल का छोटा नाम, हमारा फुटबॉल का गोली था, वॉलीबॉल का कप्तान था, एथलेटिक्स चैंपियन था और उसके दिमाग में हमेशा शैतानी घुसी रहती थी। वो पुलिस के घोड़ों को खोल ले जाता था और उनकी पीठ पर घुड़सवारी करता था, जबकि पुलिस उन घोड़ों को ढूंढ रही होती थी। एक काम जो उसने कभी नहीं किया, वो थी पढ़ाई। पूरी क्लास और टीचर्स ने मिलकर मेहनत की ताकि वो कम से कम 10वीं पास हो जाए। मल्होत्रा ये सब बातें हंसते हुए बताते हैं। कपिल देव के घर के पास ही एक खेलने का मैदान था। सेक्टर 16 के मैदान में देश प्रेम आजाद एक क्रिकेट कैंप चलाया करते थे। आजाद हरियाणा के फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, जहां 1971 में 12 साल की उम्र में कपिल ने दाखिला लिया। यानी ऐसा कहा जाता है कि उत्तर भारत में क्रिकेटर्स अपनी उम्र काफी कम करवा कर लिखते हैं, मगर कपिल ये दावा करते हैं कि उन्होंने जो दस्तावेज दिए थे, वो उससे एक दिन भी बड़े नहीं हैं। आजाद पुराने ख्यालों वाले कोच थे, जो शरीर और दिमाग की मजबूती और अनुशासन पर खास ध्यान देते थे। कैंप साल के हर दिन सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता था। इसका दूसरा राउंड शाम को 3 बजे चलता था। चेतन शर्मा, जो आजाद कैंप से निकले एक और भारतीय क्रिकेटर थे, कहते हैं, अगर आप प्रैक्टिस के लिए 5 मिनट भी देरी से पहुंचते थे, तो आपको या तो मैदान के 5 चक्कर लगाने होते थे, या फिर उसे नेट्स में घुसने से हफ्ते भर के लिए बैन कर दिया जाता था। मल्होत्रा बताते हैं, एक बार कपिल ने हमारी प्रैक्टिस छुड़वा दी और हम फिल्म देखने चले गए। आजाद सर पिक्चर हॉल में चले आए और सभी को एक एक झांपड़ मारा। हम 15 दिनों तक नेट्स में नहीं जा पाए, जबकि कपिल देव शुरुआत से ही एक एथलीट थे। वो आजाद ही थे जिन्होंने उन्हें फास्ट बॉलिंग के लिए प्रोत्साहित किया।
जैसी मेरी लंबाई और मेरा शरीर था, ये शायद पहले से ही तय था कि मैं फास्ट बॉलर बनने वाला था। उस वक्त में अगर आप लंबाई में छोटे थे तो आप सुनील गावस्कर जैसी बैटिंग करने के सपने देख रहे होते थे, और अगर आप लंबे थे तो आप नई गेंद से तेज गेंद फेंकने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन भारत में सुनील गावस्कर की तरह फास्ट बॉलिंग में कोई भी ऐसा रोल मॉडल नहीं था। ऐसे में चंडीगढ़ में पलना बढ़ना कपिल के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि इस शहर की अपनी कोई क्रिकेटीय विरासत नहीं थी, लिहाजा यहाँ किसी भी खिलाड़ी के ऊपर दबाव नहीं होता था और वो अपनी कहानी खुद लिख सकता था। कपिल देव मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपको पता है मैंने पहला टेस्ट कब देखा था? जब मैंने खुद उसमें बॉलिंग की थी।